हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार आज हम जिस सीन पे रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा कमाल है। तू चोर, मैं सपाई, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, बेस्ट सीन। तो भाई सब जल्दी से वॉच करते सीन आखिर कैसा इसमें सैफ अली खान भी है। हाँ जी, तो भाई साहब और हम पम खैर जी भी हैं भाई। तो गाना करते स्टार्ट करते हैं। कौन है अक्षय कुमार? इनाम मिलेगा। ये तो कोई वो नहीं चल रही कुश्ती और रस्सियां में बांधे हुए हैं। हाँ, यानी कि दूर भी नहीं जा सकते। अंग्रेज पूरी जीत गए भाई। ये कौन आ रहा है? ये तो मतलब लगता है कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक किसी को छोड़ेगा। आता भी बांधा यही है वो इंस्पेक्टर। अरे अरे इंस्पेक्टर है भाई अक्षय कुमार जी अपने। नहीं, ये तो हट गए। आओ इंस्पेक्टर आओ। यहाँ की परंपरा है कि जब कोई नया इंस्पेक्टर ड्यूटी ज्वाइन करने आता है अच्छा तो वो ड्यूटी के पहले दिन हमारे सामने हाजिरी देता है। वाह। लेकिन अफसोस तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आए हो। मैं आ गया हूँ ठाकुर। आखिरी दिन? फिर सब कुछ छोड़ दो। ठाकुर की कैद में सिर्फ आने का ही रास्ता है ठाकुर, बाहर जाने का नहीं। मेरे बंधुआ मजदूर जो बरसों से मेरी गुलामी कर रहे हैं, बंधुआ बनाए हुए हैं, उन्हें छुड़ा कर तू क्या समझता है कि वो आजाद हो गए? अरे मैंने उन्हें नशे की ऐसी आदत डाल दी है कि अब वो बगैर नशे के जिंदा रह ही नहीं सकते। तू जानता नहीं ठाकुर, इतना जालिम। आजादी का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं। वाकई नशे की तलब लगेगी तो आजादी का नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। आज रात से पहले सब के सब यहीं पड़े होंगे मेरे कदमों में, मगर वो सब देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अगर तू अपने आप को शेर समझता है तो आके लड़ मुझसे। बच्चों के साथ लड़ना पसंद नहीं मगर हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। कौन सी? तुम्हें हमारे एक आदमी के साथ लड़ना होगा। अगर तुमने उसे मार दिया अच्छा अच्छा मार दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। आखिर कौन है? अरे भाई ये तो अपना सैफ अली खान है बे। हाँ। तुम दोनों की माशूकाओं की इज्जत का फैसला तुम दोनों की ताकत पर है। वो अगर तुम रुके तो तुम्हारी माशूका के कपड़े फटेंगे। यानी कि ये और अगर तुम रुके तो तुम्हारी माशूका के कपड़े उतरेंगे। चलो शुरू हो जाओ। जो रुकेगा या वो क्या यानी कि रुक सकते ही नहीं वरना माशूकाओं के कपड़े फटेंगे। राजा मार मुझे। ये जानते हैं दूसरे को। राजा मुझे मार। नहीं राजा मुझे मार। राजा मुझे मार। राजा है भाई। राजन मार। ओ राजन मार जी आ गए बेटा। कौन चोर मार मुझे? वो उसको भी मुंह मुंह पे बाहरी है ना। मार मुझे मार मुझे। ये लड़ना नहीं चाह रहा सैफ अली खान। ये जानते हैं आए थे एक दूसरे को जानते हैं तभी मजबूरी में क्योंकि उनकी जेब जो है ना कब्जे में। मैं शुक्राए को भी बचाना है। ओहो नहीं रुक गए ना। रुकना नहीं है इन्होंने। क्या रुके राजा भैया? अबे ये तो गने फेंक रही बच्चा। ओ परी ओ हाय बाजी कैसे पलट गई। आए चैन टूट गया। मार दो इन्हें। अच्छा ओए होए होए तबाही मचा दी उन दोनों ने। ओ ये अबे अक्षय कुमार जी भाई कराटे मैन है कैसे पंगा ले रहे हो? ये उड़ा के मारा। ओ
ले भाई ठाकुर तो खुद आ गया। ये पड़ी किस तरह का छुड़ा ले अक्षय कुमार ने यार छुड़ा लिया। ये पड़ी सलाद ठाकुर को ठाकुर तो दो मिनटों में जमीन पे आ गया भाई। हाँ कुर्सी पे इतना अच्छा बैठा हुआ था। अब इसी कोई बात भी है राम बड़ी गंदी हालत कर रहा है ना बेचारा। कहाँ से ठाकुर बना हुआ था। खोली खोली वर्मा जी। वर्मा जी रस्सी। हाँ। तो ये क्या खोल रहा था। अबे मोर ओ अबे ये भी चला रहे हैं भाई। ओ अनुपम जी अगला गेम नीचे में। थैंक यू वर्मा जी। वर्मा जी वर्मा जी कहीं गिरा ना दे। वर्मा जी क्या सोच रहे हैं मैं कमीशन बन जाऊंगा। अरे वर्मा जी जल्दी करिए आप मुझे कमिश्नर बनाएंगे प्रॉमिस बनाऊंगा। अच्छा कमिश्नर। अच्छा ये भी पुलिस वाला है। रुक जाओ इंस्पेक्टर। नहीं वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। ओहो ज़ादे यहाँ तो बच्चा भी बड़ा खतरनाक है। ओ कैच बच्चे ने काट दिया बच्चे को। ओ तुझे कौन करेगा कैच। इसको कोई भी नहीं। मुझे तो लगता है इसकी वही कमर। आए अब धो रही सैफ अली खान धो रही ठाकुर। ले भाई ठाकुर तो भागियो। नहीं है आज तो उसको बोल बोल बोल। ओ नहीं नहीं थी वो सैफ अली खान से लगा निशाना इस कुत्ते का। चल क्या हुआ अगर इसे मैंने मार दिया तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। अच्छा और अगर इसे तूने मारा तो तेरी सजा कम हो जाएगी। सजा कम हो जाएगी यानी कि इसने भी कुछ किए हैं जुर्म। ठाकुर तो अतकड़ी लगा दी। सबसे बड़ी बात और भाई नवाब नवाब तो भाई यार यार देख मूवी की जो एंडिंग थी बहुत गजब की। ठाकुर कितना इसमें जालिम था इसने बंधुआ बनाए थे और उनका नशे का आदि बनाया हुआ था। और भाई ठाकुर को दो मिनटों में जमीन पे ले आए दोनों। कहता है कि तूने अगर आजाद कर दिए तो क्या उनको तो नशे की लात है। कहता है आजादी सबसे बड़ा नशा है। और दोनों के बगैर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन भाई अनुपम खेर जी भी थे अमरीश पुरी सैफ अली खान अक्की सर। लेकिन अक्की सर और सैफ अली खान ने जो लड़ाई हुई आपस में वो बहुत एक दूसरे को तो मारा ही मारा है भाई। पहले तो भाई अक्की सर उसको मार नहीं मार नहीं मार रहा था वो अक्की सर ने दो तीन मारी उसको भी तब चढ़ी है तो वो भी शुरू हो गया। अबे नहीं ना वो ठाकुर ने बोल दिया अगर तुम रुकोगे तो कपड़े फटेंगे तुम्हारी जेब। और वो ऐसे ही हो रहा था और जाहिर जहाँ वो रुके थे तो वो देख रहा था। लेकिन भाई बच्चे को क्रेडिट जाने चाहिए बच्चा कौन था हमें नहीं पता। लेकिन उसके ऊपर से दो दो गन्ने फेंकी नीचे। अबे गन्ने भी फेंकी और बाद में जब अमरीश पुरी ने उसको पकड़ा और उसके कान को चक काटा। अबे हाँ लेकिन उसने बच्चे को नीचे भी फेंका लेकिन शुक्र है नीचे सैफ अली खान तो उसने उसका नप लिया। लेकिन भाई यहाँ तो एक से एक भी तेज था बच्चा भी बड़ा डर रहा नहीं है देख ना। कुछ बच्चे होते हैं रोते हैं कांपते हैं। अबे हाँ ना लेकिन भाई उसके अमरीश पुरी की सही भाई साहब। और एंड में कहता है ना कहता है तू अगर मैं मारूंगा तो मुझे वो मिलेगा मेडल और तू मारेगा तो तेरी सजा कम हो जाएगी। ये कोई जुर्म लेकिन फिर भी अच्छे थे देख रहा था नहीं था। अक्की सर ने बोला कि मार नहीं मार रहा था सीधा ठोका मजा आ गया यार भाई साहब। भाई सीन बहुत मस्त था बहुत लेवल का था। आपकी क्या थॉट है।